तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने ओप्पो A16 मोबाइल में जो है किस तरीके से किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो और उनको कैसे देखना है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग में आने के बाद गाइस, इस तरीके से आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप लॉक का। तो देखिए, ऐप लॉक लिखा हुआ है, इसी पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल लेना, जो भी आपका पासवर्ड या पैटर्न है उसको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब गाइस, आपको जिस भी ऐप्स को हाइड करना है उसको सिंपली उसी पर टैप करना है और यहाँ पर ऐप लॉक वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि जिस भी ऐप को हाइड करना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐप लॉक वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, तो इस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपको सेट एक्सेस कोड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दोगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको अपना एक्सेस कोड बना लेना है, यानी कि कैसे आप देखोगे कौन से कोड को अप्लाई करके। तो यहाँ पर आपका कोड कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हैज लगेगा, उसके बाद आपको 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना लीजिए, उसके बाद फिर से हैज लगा देना है, ये आपका कोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए डन का ऑप्शन आ जाएगा अभी, तो डन पर क्लिक कर देना है। और जैसे डन पर क्लिक करोगे तो गाइज आपका ये ऐप्स जो है हाइड हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हाइड हुए ऐप्स को आप देखोगे। तो इसके लिए आपको अपने डायलर में जाना पड़ेगा और डायलर में जाओगे तो आपको क्या करना है, वही वाला कोड जो है डायल करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर डायलर में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको वही कोड जो आपने अभी सेट किया था उसी कोड को यहाँ पर डायल करोगे तो आपके हाइड हुए ऐप्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया तो देखिए हाइड हुए ऐप्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर जो है हिडन ऐप्स को देख सकते हो।